सिर्फ आखिरी 3 साल के लिए वापस गए और लोगों ने उन्हें क्रॉस पर टांग दिया। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको यह बलिदान देना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पर ही काबू लेना पड़ता। लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्व्याप, एक पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है, हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने। लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है, हवन से भी अहंकार बढ़ता, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइडेड है। जो कुछ भी हम कर्मकांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं। हजारों वर्ष से वही कर्मकांड करते रहे और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा। इसीलिए सहयोग कर्मकांड के विरोध में, कोई भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे, तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गए, यहाँ तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहाँ वो वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा ये तो बीमारों के लिए है, आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो, जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लेकर। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे, क्यों? कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य होगा।
और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते, तरह तरह। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, माने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन कर, ये सब मूर्खता अगर आप देख सके तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सके कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाए। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती हैं। एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते हैं। अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश में कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई बड़ी अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो, चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभराच्या झाडावर चढ़ता तुम्हें, तो वो ठंडा हो जा। मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं जब तक ये मैं नहीं छूटता तक तक हमारा ईसा मसीह को मानना गलत है। पर आश्चर्य की बात है कि जिसको क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, जहाँ ईसाई धर्म है, उनसे ज़्यादा अहंकारी मैंने तो कोई देखे, विशेषकर अंग्रेज अमेरिकन सब लोगों में इस कदर अहंकार है कि समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह के ये शिष्य। अब इस अहंकार का इलाज क्या, वो सोचना चाहिए। इसका इलाज ईसा मसीह थे और उन्होंने सिखाया है कि आप सबसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। इसका इलाज उन्होंने प्यार बताया, और प्यार के सिवाय कोई इलाज नहीं। लेकिन ये प्यार परम चैतन्य का प्यार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने को खोजो, दरवाजे खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जाकर के दरवाजे खटखटाओ, इसका मतलब ये है कि अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे खोलिए। जिस आदमी का दिल छोटा होता है, जो कंजूस, वो आदमी कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अहंकार, एकदम मैंने देखे हैं गुस्से वालों का स्फोटक होते हैं, और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं, और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीक्ष जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता, अपने ही मन से कुछ शुरू कर देंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं। और ऐसा करने से आज हजारों प्रश्न खड़े होगा,
आज बताने की बात है कि दिल्ली में इन्होंने मुझसे एक बार एक पूजा के दिन हड़बड़ी में आकर बताया कि हमें ज़मीन मिल रही है, बस उससे कितना पैसा लिया, वो कैसा होने वाला है, ज़मीन कैसी, कुछ और किसी भी सहयोगी ने नहीं बताया। क्योंकि कल कोई कहे कि ये माताजी ने कहा है तो उस आदमी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे कुछ कहना है तो मैं स्वयं कहूंगी, उसके बाद इतनी मीटिंग्स हो गई, ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब जिन्होंने उनको पैसा दिया वो सर पकड़ करके बैठे कि बिल्कुल ये ठगाया गया, ये पैसा कैसे मिलेगा, मुझसे बगैर पूछे सारे काम हो, बिल्कुल बगैर पूछे। अब वो इतनी खराब जमीन है कि उसके बारे में अब नोटिस आई है कि आप कुछ नहीं बना सकते, उल्टे आपको हम पकड़ेंगे। हर एक सहयोगी का अधिकार है कि मुझे आकर बता और मुझसे पूछे। उन्होंने कोई सोसाइटी अपनी बना ली, हो गए पागल, जो जमीन मिल रही ना, इतनी खराब जमीन है कि वहां हम बताते हैं कि मुर्गी भी नहीं पाल सकते, तो सहयोगी हो क्या, मुर्गियों से भी गए बीते। अब जो भी हुई सो मूर्खता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग अपने पैसे वापस मांग लीजिए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग घर बांधते हैं, घर में रहते हैं, उनको पक्षियों को और देखना चाहिए, वो अपना घरौंदा कितने प्यार से छोटा सा अपने लिए बनाते हैं, और जब वो अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। हर तरह से उन्होंने ये समझाया कि आप ममत्व को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरे बच्चे, यहाँ तक कि ये मेरा देश, ये जो ममत्व है ये छूटना चाहिए, तभी आप जो है महान हो सकते। सारे विश्व में आप भाई बहन हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अपने देशभक्ति को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप में देशभक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन यही देशभक्त विश्वभक्त हो जाता है। अगर देशभक्ति नहीं है, जब बूंदी नहीं तो सागर कैसे बनेगा, तो प्रथम आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं इसको पहले देखिए। आप देश के विरोध में कर कार्य कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ईसा मसीह को वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा भी था कि वहाँ सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मल की इच्छा है, म्लेच्छ है, लेकिन शालिवान ने उनसे कहा नहीं नहीं तुम जाओ और को निर्मल तत्व सिखाओ। वो सिखाने गए निर्मल तत्व, उनको ही खत्म कर दिया। तो पागलों का देश, उनसे कुछ सीखने का था नहीं पर सिखाने का था, इसलिए वो गए। और उसी लिए उनका अंत इस तरह से हुआ। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, या किसी भी प्रति किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता।
जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मत नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे, बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना है। अगर आप डिसिप्लिन में बच्चों को ला नहीं सकते तो आपके बच्चे कभी अच्छे सहयोगी नहीं हो सकते, और उसके लिए आप में खुद होना चाहिए डिसिप्लिन। आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। ईसा मसीह का जीवन जो था उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर इस कदर डिसिप्लिन थी, इस कदर उन्होंने सहा और अपने जीवन से दिखा दिया। उनके विवाह की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने विवाह नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो विवाह के विरोध में, ऐसी गलत फहमी करके लोग बैठे हुए हैं कि विवाह के विरोध में, और इसीलिए इन्होंने ये बनाई हुई है। औरतें जिनको नंस कहते हैं उनकी शादी ईसा मसीह से करते हैं, वो साक्षात गणेश, उससे कैसी शादी कर सकते। उसके अलावा आदमियों को भी शादी नहीं करना, इस तरह के अनैसर्गिक बातें सिखा दी। उससे वो सबको अपने कब्जे में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उससे ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल लेने से आज ईसाई धर्म डूब रहा है। ईसा को उन्होंने भुला दिया और अपने ही मन से एक धर्म बना लिया है और उसको ईसाई धर्म कहते हैं। आजकल का ईसाई धर्म ईसा के नाम पे कलंक सा लगता है, क्योंकि मेरा जन्म ही इस धर्म में हुआ और मैंने इनकी सारी अंदरूनी बातें देखी। उसी प्रकार हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में आप सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनेक गुरु असली गुरु जैसे दत्तात्रेय जी वगैरह और नाथपंथी आपके अनेक अवतरण हैं और आपके स्वयंभू अनेक, आपकी एक किताब नहीं अनेक किताब। ईसाई लोगों में सिर्फ ईसा और बाइबल, तो वो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं और यहूदी लोग भी हो सकते हैं, और तीनों का आपस में रिश्ता है, किताबों में लिखा। लेकिन हिंदू नहीं हो सकता सांप्रदायिक, क्योंकि किसी का कोई, किसी का कोई, कोई महालक्ष्मी को मानता है तो कोई रेणुका देवी को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है, तो हर आदमी, हर परिवार फैमिली अलग अलग इनकार्नेशन को मानते हैं, किताब को मानते हैं। कोई सी भी ऐसी किताब नहीं है जिसके कहना चाहिए कि ये होली बाइबल जैसे। इसलिए सब धर्मों को एक हिंदू को चाहिए कि मानकर, मैंने देखा है कि मान करने की शक्ति हिंदुओं में सबसे ज्यादा। एक मर्तबा एक हम होटल में थे, वहां बाइबल था, वो सब दूर बाइबल रख देते हैं चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, सो वो बाइबल नीचे कर गया। सो हमारे साथ एक हिंदू थे, उन्होंने उस बाइबल को उठाया, सर पे रखा और फिर टेबल पे रख दिया। कभी बाइबल को पैर से नहीं छुएंगे, कभी नहीं। एक बार ईसाई धंधा कर लेंगे, हिंदू नहीं करेगा।
सबकी इज्जत करना ये हिंदू का धर्म है। पर उससे आजकल जो लोग निकले हैं अजीब अजीब अजीबो गरीब, जो कि आज के हमारे पॉलिटिशियन लोग निकले हैं, इस तरह के लोग पैदा हुए हैं, तो बरसात में जैसे मशरूम निकलती है ऐसे कुछ लोग निकल आए। पर ये लोग हिंदू नहीं है, इनको अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम है। उत्तर हिंदुस्तान के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, और जो दक्षिण हिंदुस्तान के लोग हैं वो तो यही जानते हैं कि ब्राह्मण को यहाँ पैसा देना है, वहाँ पैसा देना है, वो करना है, वो करना, बस कर्मकांड के सिवाय इस महाराष्ट्र में और कुछ नहीं। इतने कर्मकांडी लोग हैं, महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी हुई, सब व्यर्थ गई, क्योंकि बड़े कर्मकांडी हैं, वो छूट नहीं सकता उनसे। यहाँ एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, उसके जो गणेश जी, उसको मैंने जागरूक मैंने की, अब देखती क्या हूँ कि वहाँ एक एक मील की लंबी कतारें, एक एक मील की, मंगलवार को खड़ी हुई। गणेश जी भी सो गए होंगे, इस कदर कर्मकांडी लोग महाराष्ट्र में हैं कि उस कर्मकांड से उनका स्वभाव जरा तीखा हो गया। और नॉर्थ इंडिया में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कर्मकांडी हैं, और जो कर्मकांडी लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत बहुत तेज गुस्सा, और जो कर्मकांड में नहीं है वो लोग बहुत शांत। सो पहली चीज है कि कर्मकांड बंद करो, पर हर चीज का आदर करो। कर्मकांड बंद करो तो यानी मतलब सबको लात मारते फिरो। ये संतुलन जो है यही ईसा मसीह ने सिखा। ये संतुलन आए बगैर आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। सबका सम्मान, सबका आदर, और बेकार के कर्मकांड जिसमें गलत लोग पनप रहे हैं। आजकल के बहुत से जो झूठे साधु बाबा हैं वो कर्मकांड के ही वजह से ऐसे, वो कहेंगे कि आप इतने रुपए दो, ये करो वो करो, यज्ञ करो, 108 मरतबा रोज ये नाम लो वो नाम लो, मंत्र देता हूँ, फलाना करता हूँ, ये सब कर्मकांडी। और कर्मकांड आप लोगों को सिखाते हैं जिसके पूरी तरह से विरोध में ईसा मसीह। क्योंकि वो जानते थे कर्मकांड करने से आदमी अहंकारी हो जाए, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कर्मकांड को एकदम मना किया था। इसी तरह से परमात्मा के नाम पर कोई भी आदमी पैसा कमाए इसके वो विरोध में था। उसके उल्टा शुरू हो गया कि पैसा कमाओ और खाओ। कमाना तो नहीं छूटा, पर पैसा कमा लो और खा जाओ खुद, जिससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज सहयोग के कार्य में हमको याद रखना चाहिए कि हमने सहयोग के कार्य में क्या पैसे दे, कितना पैसा दे। ईसा मसीह के पास तो 12 मच्छी मार थे, वो तक फैल गए सारे दुनिया में मेहनत कर। आज आप लोग मेरे इतने सारे शिष्य, और आप लोग चाहें तो कितने ही लोगों को पार करा सकते, कितने ही लोगों को सहयोग मिला सकते। पर लोग आधे अधूरे नहीं रहना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए। जब तक गहरे नहीं बैठेंगे
तब तक वो समझ नहीं पाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनको कितना प्यार देते हैं और वो कितना प्यार दूसरों को देते हैं। कोई भी आदमी अगर सहयोग में लीडर होता है तो उसको पहले याद रखना चाहिए कि ईसा मसीह ने जो दीन दी है कि आप सबसे प्यार करो। वो मैं कर रहा हूँ क्या? मैं सब पे रोब दाब झाड़ता हूँ, मैं सबको ठिकाने लगाता हूँ, सबके ऊपर आंखें निकालता हूँ। ये अहंकार बहुत सहयोग के विरोध में ही नहीं है पर उसका नाश करने वाला है। जिस आदमी में भी अहंकार हो वो उसको कम करे और उसकी जगह प्यार से भरे तो जीवन जो है सुखमय हो जाए, जीवन सुंदर हो जाए। अगर आपको प्यार करना आता नहीं तो थोड़े दिन आप सहयोग से बाहर रहें, पहले अपने हृदय के दरवाजे खोलें। उसी से, उसी की शक्ति से सहयोग फैलेगा। बात यह है जो लोग सहयोग फैलाते हैं उनमें प्यार की शक्ति कम, गुस्से की शक्ति ज्यादा, कभी नहीं फैलेगा। प्यार से बढ़ेगा और गुस्से से घटेगा और नष्ट हो जाएगा। जो ईसा मसीह की सीख है वो बहुत जरूरी है कि हम लोग समझ लें। I'm sorry I had to talk in Hindi language because most of the people are here Indians. Some of them are Marathis and other are from the North India. I was telling them about Christ. What was his power? His power was of love and not of anger, because he is the one who has crossed the most difficult center of Agya. Those people who have ego never realize they have ego. With their ego they do all kinds of nonsensical things. Without asking me, they have done something in Delhi. Without asking me, they have done something in Russia. And it's so destructive to Sahajoga that they don't realize what they have done is a crime which is punishable by all divine laws. If you want to do anything, you must tell me beforehand. You must consult me, you must talk to me, because I know what is happening. You don't know. If somebody wants to cheat you, then how will you know? If you were so sensitive, you would find out. You would have asked me, Mother, what should we do? At least ask me. This is the main thing missing among Sahajogis now, that we have a kind of a very subtle ego. If you make somebody a leader, it's very dangerous sometimes if the leader develops ego because of his wife. It's a very difficult thing. They can destroy Sahajoga completely. Anything is possible. So before you do anything like that, you have to consult. I am still living and you can ask, you can write to me, you can telephone to me. At least I am there to tell you. But then you have to develop your balance and your love. That is only through this Parma Chaitanya. With this all-pervading power of divine love, you can develop that discretion, you can develop that special powers.